एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, यानी हमें लॉजिक लगाना है वर्ड्स में और स्टेप बाय स्टेप हमें कंप्लीट करना है सीरीज को। इसमें लॉजिक लगाना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है टॉपिक से पता चल रहा है, लॉजिक लगाना है, कुछ नहीं करना है। सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, बस इसमें आपको एक सीरीज दी जाएगी, आपको वर्ड्स दिए जाएंगे, आपको लॉजिक लगाना है और उस सीरीज को स्टेप बाय स्टेप उसका कंप्लीशन करना है कि पहले लॉजिक के अकॉर्डिंग करना है कि पहले कौन सा वर्ड पहले आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, बस और कुछ नहीं है इस चक्कर में। एग्जाम्पल है, अरेंज द फॉलोइंग क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर। उन जो हमें ऐसे ऑर्डर में करना है कि उनके कुछ मीनिंग बन रहे हो, लॉजिक स्टेप बाय स्टेप कुछ मीनिंग बन रहा हो, उसका लॉजिक बन रहा हो। सपोज हमने एक सीरीज ली है, एक ऑर्डर लिया है, इसमें हमें मीनिंगफुल तरीके से पहले देखना है पहले कौन सी चीज लॉजिक के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप पे कौन सी चीज आती है, उसके बाद कौन सी आती है। पहले कंट्री, फर्नीचर, फॉरेस्ट, वुड, ट्रीज, इसमें लॉजिक लगाना है कि पहले कौन सा ऑप्शन इसमें आ सकता है, उसके बाद फिर दूसरा, स्टेप बाय स्टेप हमें कंप्लीट करना है इस तरीके से। तो पहले कौन सा आएगा भाई, कंट्री, फर्नीचर, फॉरेस्ट, वुड, ट्रीज, हमें पहले देखना है सबसे पहले कौन सा ऑप्शन पहले आएगा इस सीरीज में जो लॉजिक के अकॉर्डिंग मीनिंगफुल जो सबसे पहले बैठता है, उसके बाद फिर कौन सा बैठता है, उसके बाद फिर इस तरीके से हमें देखना है। तो पहले कौन सा बैठता है, कंट्री बैठता है ऑफकोर्स, है ना, फर्स्ट नंबर पे कंट्री बैठता है भाई, कंट्री होगी, फिर उसके अंदर क्या होगा, कंट्री के अंदर फॉरेस्ट होगा, राइट, कंट्री के अंदर क्या होगा, फॉरेस्ट होगा ना, सबसे पहले भाई सबसे बड़ी कंट्री होती है, फिर उसके अंदर क्या होता है, फॉरेस्ट होता है। तो पहले फर्स्ट नंबर पे आ गया कंट्री, थर्ड नंबर पे क्या आ गया, फॉरेस्ट, उसके बाद आएगा फिर हमारा ट्रीज, फिफ्थ ऑप्शन, फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है, ट्रीज होता है ना, इसलिए हमारा हो गया फिफ्थ ऑप्शन। ट्रीज के बाद क्या आता है, वुड, ट्रीज से हमें क्या मिलती है, वुड मिलती है हमें, लकड़ी मिलती है हमें पेड़ों से, वुड के बाद हमारा उस लकड़ी से हमारा क्या बनता है, फर्नीचर बनता है। इस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप ही कंप्लीट करना है, सीरीज को हमें कंप्लीट करना है मीनिंगफुल ऑर्डर में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वर्ड, पैराग्राफ, सेंटेंस, लेटर, इसमें देखना है हमें पहले क्या बन रहा है, मतलब हमें इसे पहले सबसे बड़ा लेना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब देखो सबसे पहले वर्ड, पैराग्राफ, सेंटेंस, लेटर, इन सब में से कौन सा है जो सबसे बड़ा हो सकता है, लेटर, ऑब्वियसली सबसे पहले लेटर बनता है। नेक्स्ट क्या बनेगा लेटर के बाद, बताओ, लेटर के बाद क्या बनेगा, वर्ड, ठीक है, फिर वर्ड से क्या बनेगा, सेंटेंस, सेंटेंस से क्या बनेगा, फिर वो पैराग्राफ बनेगा पूरा, 4.32, ठीक है, ये हमारी सीरीज बन गई। स्टेप बाय स्टेप लॉजिक लगाना है, बस और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कर्ड, ग्रास, बटर, मिल्क, काउ, इसमें हमें लॉजिक लगाना है मीनिंगफुल ऑर्डर में, ये सीरीज हमें कंप्लीट करनी है। सबसे पहले नंबर पे कौन सा आता है, पहले हमें क्या मिलता है, काउ, पहले काउ, फिर काउ को हम क्या देते हैं, ग्रास देते हैं, ग्रास के बाद वो हमें क्या देगी, फिर मिल्क देगी, मिल्क के बाद प्रोसेस टू प्रोसेस बताना है हमें इसमें, कर्ड, फिर उसके बाद बटर, ओके, इस तरीके से ये सीरीज कंप्लीट होती है हमारी। नेक्स्ट देखते हैं, साइट, प्लान, रेंट, मनी, बिल्डिंग, इसमें देखो बताओ क्या इसमें सबसे पहले आएगा, साइट, प्लान, रेंट, मनी, बिल्डिंग, भाई जब हमारे पास मनी होगा तभी तो हम किसी चीज की प्लानिंग करेंगे, फिर हम उसकी साइट पे जाएंगे उसे देखने के लिए, फिर हम उसकी प्लानिंग करेंगे, राइट, फिर हम अपनी बिल्डिंग बनाएंगे, फिर हम उसे रेंट में देंगे, इस तरीके से ये लॉजिक लगाना है हमें, कुछ नहीं करना है इसमें और मीनिंग बिठाना है, स्टेप बाय स्टेप मीनिंगफुल ऑर्डर बनाना है हमें इसका और कुछ नहीं करना। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसके लॉजिकल टेस्ट सीरीज के। इसमें वैसे ही छोटा सा ही चैप्टर है, कुछ ज़्यादा इसमें खास ऐसे है नहीं, बस इसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे ना रीजनिंग, तो ऐसे जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही कम है रीजनिंग के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, टेबल, ट्री, वुड, सीड और प्लांट, पहले क्या आता है, पहले हमारे पास सीड होता है, फिर हम उसका प्लांट बनाते हैं, है ना, फिर ट्री बनता है, प्लांट से ट्री बनता है, फिर उससे हमें वुड मिलती है, फिर हमारी टेबल बनती है, राइट, पहले हमारे पास सीड होता है, फिर सीड से प्लांट,
फिर होता है ट्री, प्लांट से ट्री होता है, ट्री से हमें लकड़ी मिलती है, वुड मिलती है, और वुड के बाद हमें हम उससे फर्नीचर बनाते हैं, टेबल चेयर एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंडेक्स, कंटेंट, टाइटल, चैप्टर्स, इंट्रोडक्शन। इसका बताइए, सबसे पहले हमारे पास कंटेंट होना चाहिए हर चीज को बनाने के लिए, राइट। उसके बाद टाइटल, टाइटल के बाद चैप्टर्स बनते हैं, चैप्टर्स के बाद सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है, फिर इंडेक्स बनता है। ये आपने बुक में भी देखा होगा, सबसे पहले टाइटल देते हैं बुक्स में जो स्टार्टिंग के पेज होते हैं, फिर चैप्टर की लिस्ट देते हैं, फिर इंट्रोडक्शन देते हैं वो अपना, उसके बाद इंडेक्स देते हैं। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश, यूनिवर्स, तिरुपति, वर्ल्ड, ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड इंडिया। इसमें बताइए सीरीज कैसे बन रही है, पहले तिरुपति, तिरुपति, फिर कौन सा आता है, फिर तिरुपति से बड़ा आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद इंडिया आता है, फिर हमारा वर्ल्ड बनता है, वर्ल्ड से हमारा यूनिवर्स बनता है। हर तरीके की एग्जांपल्स बता दी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो किसी चीज में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिस्ट्रिक्ट, विलेज, स्टेट, ब्लॉक, क्या बनता है सबसे पहले बताओ, पहले विलेज फिर ब्लॉक, ब्लॉक बनता है विलेज से, फिर डिस्ट्रिक्ट बनता है ब्लॉक, जैसे जी ब्लॉक, ए ब्लॉक, इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट बनता है, फिर उसके बाद स्टेट बनता है, स्टेट सबसे बड़ा है इन सब, इन चार ऑप्शन में से तो स्टेट बनता है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस, डॉक्टर, सिक, ट्रीटमेंट, रिकवरी। इसको अरेंज कीजिए आप, सबसे पहले सिक होती है, बीमार होते हैं हम, उसके बाद हम डॉक्टर के जाते हैं, डॉक्टर हमें डायग्नोसिस देता है, फिर हमारी ट्रीटमेंट चलता है, फिर रिकवरी होती है। सिंपल है और कुछ नहीं है। इस तरीके से आप और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर आप कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको क्वेश्चन ना समझ आया हो, दोबारा समझना हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं मेरे को। ओके, थैंक यू, बाय। और